नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। भारतीय देशभक्ति में बोले जाने वाले भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों को लेकर मध्य प्रदेश के इंदौर में फिर अल्प समुदाय का मंच फिर से कटघरे में खड़ा होता नजर आ रहा है। ताजा मामला राजबाड़े पर 15 अगस्त पर लगे मंच से भारत माता की जय बोलने पर युवती को ताकत अन्य नारे लगाने को लेकर मालिनी गौड़ ने कार्यवाही की मांग रखते हुए कहा कि ये भारत देश की संस्कृति देश है, तलीबनी कार्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर कुछ स्थानों पर अन्य नारों के कारण घटनाएं सामने आई थी, जिसमें से एक मामला राजबाड़ा स्थित विशेष समुदाय से जुड़े कमाल खान द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान जब युवती द्वारा भारत माता की जय वंदे मातरम जैसे देशभक्ति नारे लगाए गए तो उसे मंच से उतार दिया गया, जिसका वीडियो काफी वायरल भी हुआ था। इस पूरे मामले को लेकर हिंदुवादी कट्टर नेता मानी जाने वाली बीजेपी नेता मालिनी गौड़ से मीडिया द्वारा पूरे मामले में सवाल पूछा गया तो उनका कहना था कि ये काफी शर्मनाक हरकत है। ये भारत एक सांस्कृतिक देश है, यहाँ पर सभी समुदाय के लोग एक साथ एकता के साथ निवास करते हैं, लेकिन जिस तरह से युवती को मंच से उतारा गया है वो काफी निंदनीय है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जानी चाहिए और ऐसे लोगों को पार्टी से भी निष्कासित किया जाना चाहिए और इन पर पुलिस द्वारा जल्द कार्रवाई की मांग करते हुए ऐसे लोगों को देश से निकाल देने की बात कही है, क्योंकि यहाँ पर तालिबानी हुकूमत संचालित नहीं करने दी जाएगी। 15 अगस्त का बताया जा रहा है वीडियो, उसमें एक लड़की द्वारा भारत माता की जय और नारे जो लगाए हुए उसको लेकर मैं चूंकि मैं कल भोपाल थी और मैंने आज देखा है, बहुत ही शर्मनाक घटना हुई है। और जिस तरह से हमारी भारत माता की जय बोलने वालों को मंच से उस बिटिया को उतारा और वहाँ या हुसैन के नारे लगे, तालिबानी संस्कृति थोड़ी, इस पर पूरी एक्शन होना चाहिए और जिसने वहाँ कार्यक्रम करा उस पर भी एक्शन होना चाहिए। बीजेपी का पूर्व में कार्यकर्ता रहा है वो, और अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज का व्यक्ति और मुस्लिम समाज ने वहाँ या हुसैन का नारा लगाए। भारत में रह रहे हैं तो भारत माता की जय बोलना पड़ेगी, वंदे मातरम बोलना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ से इनको निकाला जाए। के ऊपर पूरी ये घटनाक्रम हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी के कमाल खान नेता जो हैं उनका ये मामला, क्या उनके ऊपर भी कार्रवाई की जानी चाहिए? बिल्कुल कार्रवाई की जाना चाहिए। एक भारतीय व्यक्ति को भारत माता की जय बोलना पड़ेगा, वंदे मातरम बोलना पड़ेगा और इस तरह से हरकत कोई भी करे, कोई भी हो, ए से जेड तक कोई भी हो, उस पर एक्शन होना चाहिए। क्या बीजेपी से FIR दर्ज कराएगी? वो पार्टी संगठन का मैटर है, उनसे चर्चा करूंगी मैं। सभी लोगों से कमाल खान के ऊपर क्या एक्शन चाहते हैं? उन्हीं का ही मंच था वो, पर उनके साथ वाले जिनके सपोर्टर, ऐसे लोगों को पार्टी से भी निकालना चाहिए और उस पर एक्शन भी होना चाहिए। जो बिटिया के साथ में दुर्व्यवहार हुआ, क्या उसकी भी चिंता करेगी भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल करेगी। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा बेटियों की सुरक्षा और रक्षा करने के लिए तत्पर है। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील है और जिस तरह से ये घटना हुई है हम सभी जनप्रतिनिधि इसकी निंदा करते हैं। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड कर